हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हम बहुत सारे टूल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग टूल के बारे में जो कि हमारा है स्पीक सेल। सो गाइस, एक्सेल सीट में हम स्पीक सेल का यूज कैसे कर सकते हैं एंड हमें क्यों यूजफुल है। मैं एक कंडीशन बताता हूँ। सपोज डैट कि जैसे ही आपका यहाँ डेटा है स्टूडेंट नेम मार्क्स एंड सेक्शन, और सेम डेटा आपका हार्ड कॉपी यानी कि आपकी कॉपी में रिटर्न है एंड यहाँ पे एक्सेल सीट में है, एंड आपको डेटा एक एक करके चेक करना है कि जो हमारी एक्सेल सीट में डेटा है वो सेम हमारी कॉपी में है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीट में देखना पड़ेगा एंड फिर अपनी कॉपी में देखना पड़ेगा। सीट में देख देख कर आपको चेक करना पड़ेगा एंड आप टिक कर सकते हैं कि हाँ हमारा डेटा है। बट अगर कोई हमें बताए वहाँ पर इस यहाँ लैपटॉप में से डेटा को रीड कर करके, तो हम कैसे ईजिली कर सकते हैं ना, तो वही यूज़ होता है स्पीक सेल का। एंड हम आपको बताते हैं कि स्पीक सेल कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड कहाँ यूज़ करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहली वाली अपनी बहुत सारी वीडियो में बहुत सारे टूल्स डिस्कस कर चुका हूं, एंड एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपको याद हुआ क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार का ही यूज़ होने वाला है कि हम क्विक एक्सेस टूल बार की हेल्प से स्पीक सेल को फाइंड करेंगे एंड उसका यूज़ करेंगे। क्योंकि क्विक एक्सेस टूल बार हमारा एक ऐसा टूल बार होता है जहाँ पर बहुत सारी कमांड्स होती हैं, एंड उन कमांड्स को यूज़ करके हम स्पीक सेल का यूज़ वहीं से हम फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में हम गए हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है, तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे एंड देखेंगे कि यहाँ पर है मोर कमांड्स। सो मोर कमांड्स पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारी पॉपुलर कमांड्स शो हो रही हैं, जो कि जो पॉपुलर्स होते हैं जहाँ जहाँ हम इसको यूज़ करते रहते हैं वो हमारी पॉपुलर कमांड्स होती हैं, तो वो वहाँ पे शो हो रही हैं। बट हमें ऑल कमांड्स चाहिए क्योंकि ऑल कमांड्स में बहुत सारी कमांड्स आ जाती हैं। सो ऑल कमांड्स में अब यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स होंगी, तो हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि हमारा स्पीक सेल कहाँ पर है। तो हम देखते हैं स्पीक सेल कहाँ है। MSS पे आए हैं। हाँ गाइस देखो, हमें स्पीक सेल देखना है, जल्दी मिलेगा स्पीक सेल। सेव सो गाइस, यहाँ पे हम स्पीक सेल देखते हैं। देखो गाइस दिख गया मुझे स्पीक सेल। तो देखो यहाँ पे है स्पीक सेल्स स्टॉप स्पीकिंग सेल्स एंड स्पीक सेल बाई कॉलम्स, स्पीक सेल बाई रो। सो हमें सारे जहाँ जहाँ स्पीक सेल है वहाँ सबको ऐड कर लेना है अपने क्विक एक्सेस टूल बार में। सो गाइस यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं, एंड किया देन ऐड, एंड नेक्स्ट ऐड करने के लिए ऑप्शन मांग रहा है तो हमें इसको भी ऐड करना है, ऐड एंड ऐड। तो हमने पाँच ऑप्शन यहाँ से ऐड कर लिए हैं। तो अब हम देखेंगे ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो चुके हैं। अब हम एक एक करके इसका यूज़ देखेंगे कि यूज़ कैसे हो रहा है। सो गाइस मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन स्पीक सेल को जैसे यहाँ पर मैंने किया तो वहाँ पे आ गया है स्पीक सेल। जैसे इसको क्लिक करता हूँ, अब आप गौर से देखिए होता क्या है। स्टूडेंट नेम प्रणव हिमांशी। Pranav Himanshi Mohit Praful Ankit Aditya Marks 80 90 91 83 75 79 okay. मैं इसको स्टॉप सेक्शन करता हूं। आपने देख ही लिया होगा कि स्पीक सेल ने हमें यहाँ पर क्या करके दिखाया है कि वो एक एक डेटा को लेके हमें रीड करके बता रहा है, स्पीक करके बता रहा है कि हमारे डेटा में क्या है। सबसे पहले उसने इस बार, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी क्या सिलेक्ट करके रखा है स्पीक सेल बाई कॉलम, तो वो कॉलम के अकॉर्डिंग बता रहा है। बट बाय डिफ़ॉल्ट हमें वो रो लेफ्ट टू राइट बताता है। सबसे पहले वो स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स एंड सेक्शन को सिलेक्ट करेगा, देन प्रणव एंड 81, फिर हिमांशी 90V, ऐसे करता है बाय डिफ़ॉल्ट। बट मैंने यहाँ पर अभी कॉलम्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके रखा है। सो आपको कॉलम्स के अकॉर्डिंग बता रहा है कि उसने सबसे पहले स्टूडेंट नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट किया एंड देन उसने सारे यहाँ पे नेम आपको स्पीक करके बताया कि प्रणव हिमांशी, सारे नेम जो भी मैंने यहाँ पे डेटा में शो करके आपको दिखाए हैं वो हमारे स्पीक सेल में कितने अच्छे तरीके से हम ऐसे स्पीक सेल को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर बहुत सारी
ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे रो स्पीक सेल बाई रोज, आप देखो यहाँ से स्पीक सेल यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड में अपने डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, एंड मैंने अभी यहाँ पे क्या करके सिलेक्ट करके रखा है, यहाँ पे स्पीक सेल्स बाई रोज, तो हम वो रो के अकॉर्डिंग हमें अपने स्पीक सेल में आप दिखाएगा कैसे डेटा को स्पीक करता है। देख स्टूडेंट नेम मार्क्स सेक्शन प्रणव 80 ए हिमांशी 90 बी मोहित। सो गाइस 91 स्टॉप करते हैं। सो गाइस आपने देखा कि स्पीक सेल का कितना अच्छा यूज होने वाला है। तो गाइस आपको जहाँ भी नीड हो ऐसे एक स्पीक सेल की, तो आप वहाँ बिल्कुल स्पीक सेल यूज़ कर सकते हैं। एंड आपके लिए ए बी वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टूल्स के साथ आपसे मिलेंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।